दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, मेरा बाबू भी अच्छा है। यहाँ बैठ के मस्ती कर रहे हैं ना। बोलो हाय गाइस। तो आज है बसंत पंचमी, तो हम लोग सरस्वती माता का पूजा करके मेरे बच्चे और हम बैठे हैं। तू भी पूजा किया ना, और खाना खा के फिर रेस्ट कर रहे हैं हम लोग। सोचे थोड़े से बातें कर ले दोस्तों से। तो आज मैं जाऊंगी कैंटीन, और कैंटीन से सामान लेके आऊंगी। जैसे मेरा सामान कुछ ख़त्म हो चुका है, इनके पापा हैं ड्यूटी में, उनको टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि वो लेके जाए। डेली बोलती हूँ कि चलिए थोड़ा कैंटीन चलना है, तो बोलते हैं रुको टाइम नहीं, कभी सुबह शाम करते अभी इतना दिन हो गया। फिर मैं सोची मेरी लड़की का छुट्टी है, ट्यूशन का छुट्टी है, फिर मैं इसी को लेके जाऊंगी, स्कूल का दौरा, इसको लेके जाऊंगी मैं। तो आज मैं क्या लेके आती हूँ कैंटीन से, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिए। तो चलिए आप लोग देखिए, हम लोग जा रहे हैं कैंटीन, मैं और मेरी बड़ी लड़की। हाय दोस्तों, थोड़ा सा दूर है कैंटीन, और इसके पापा नहीं है, ड्यूटी में है। हम सोचे कि दोनों हम माँ बेटी साथ में जाते हैं, दूर ज़्यादा नहीं है, बस जा सकते हैं। पास ही है, वो बाहर जाने वाला गेट भी पास ही उसके सामने है ना, फिर हम लोग जा सकते हैं। मैं अपने दोनों बच्चे को बहन के पास छोड़ दी, और सोची चलती हूँ घूम के आती हूँ, सामान कुछ ख़त्म हो गया था, फिर लेके आप लोग मैं दिखाती हूँ। मेरी लड़की मेरे से आगे निकल रही है, वो दौड़ दौड़ के भाग रही है। बोली मैं पहले चली जाऊंगी, मैं बोली जाओ। तो मैं यहाँ कैंटीन में आ चुकी हूँ। कैंटीन में सामान है पर उतना ज़्यादा नहीं है, साबुन ये सब ज़्यादा है, और सब आइटम है वो थोड़ा कम है। तो मैं जो ज़रूरत का सामान है उसको ले रही हूँ, और मेरी लड़की इधर डांस कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा ही वीडियो ली हूँ। मैं बाहर सामान लेके आ चुकी हूँ, और लाइन थोड़ी बड़ी है, भीड़ भी काफ़ी है, और बिलिंग हो रही है इधर। तो मैं खड़ी हूँ इधर, और मैं घर चल के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मैं अभी कैंटीन से आ चुकी हूँ, और सामान क्या क्या लेके आई हूँ, अभी तो बैग से मैं खाली नहीं की, बैग नहीं निकाली हूँ। मैं निकालती हूँ तो आप लोग को दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा भारी हो गया था कि मेरा कंधा बैग से दुखने लगा। फिर मैं आई हाथ पैर धो के, और दीप जला के मैं बैठी हूँ थोड़ा सा मिक्सचर लेके खाने, और बच्चे मेरे बैठ के टीवी देख रहे हैं। फिर मैं बैग आप खाली करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो इधर शुरू हो चुका सामान, ये बच्चे को बहुत पसंद है। ये नहीं है कि हम लोग चाय से खाते हैं, बस बच्चे ही खाते हैं दूध से। और ये इधर बिस्किट, उसके बाद यहाँ मसाला है, साबुन, यहाँ नमक लेके आई, उसके बाद ये धूप बत्ती लेके आई, ये सोयाबीन, यहाँ साबुन, ब्रश, उसके बाद मिक्सचर, पेस्ट, शैम्पू लेके आई, फेस वॉश, हॉर्लिक्स, कपड़ा वाला साबुन है, जो पूरा हैंड वॉश गिरा दिया बाबू, और इधर हैंड वॉश लेके आई, सब लेके आई हैंड वॉश। तो यही ऐसे कैंटीन में सामान था, ज़्यादा नहीं। फिर मैं थोड़े बहुत ही सामान, कुछ ज़रूरी का सामान था उसको ले आई। फिर उतना सामान नहीं था, बच्चे को लगाने वाला सरसों तेल, कोई मसाला नहीं था, तो जो था उतना ही थोड़ा बहुत था उसको ले ली, इसका भी बहुत ज़रूरी था। फिर यही है मेरा कैंटीन का सामान। मैं ब्रश लेके आई, बड़ी वाली लड़की मेरी ब्रश बोली कि मम्मा मेरा ख़राब हो गया है, तो ये लेके, और देखिए कैसे ये मुँह में अपना लगा रहा है, ब्रश कर रहा है। बाबू ब्रश कर रहे हो, बताओ तो, बहुत शौक है ब्रश करने का। इधर देखेगा ही नहीं, हैंड वॉश निकाल के गिरा दिया, ब्रश निकाल के लगा करने। हाँ बाबू, ए बच्चा,
बच्चा नहीं बोलेगा, गुस्सा है अभी। काली नैनी माँ